नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूं छोटू खान। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील के ग्राम पंचायत देरी में गेहूं उपार्जन केंद्र में किसानों के हक पर डाका डाला जा रहा है। आप खुद देखें यह तस्वीरें जो हमारी स्क्रीन पर चल रही हैं, कैसे गेहूं की बोरी से गेहूं निकाला जा रहा है। आइए देखते हैं यह खबर हमारे सहयोगी ब्रजेश यादव की। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील के देरी पंचायत में गेहूं उपार्जन केंद्र बना किसानों की मुसीबत। कोरोना की आड़ में की जा रही किसानों के साथ ठगी। भले ही मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए अनेक वादे करती हो, लेकिन यहां किसानों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत देरी के गेहूं उपार्जन केंद्र का भी हाल जान लीजिए। आपको बता दें कि उपार्जन केंद्र पर किसानों से अधिक तौल की जाती है और बाद में किसानों की नजरों को बचाकर बोरी सिलाई से पहले उसमें से अनाज निकालने का कार्य बेखौफ चलता है। इतना ही नहीं, जब किसान अपना अनाज लेकर उपार्जन केंद्र पर पहुंचते हैं तो 3-3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे किसानों को काफी वाहन का भाड़ा देना पड़ता है और प्रति क्विंटल के हिसाब से 1 किलोग्राम गेहूं किसानों से अलग से लिया जाता है। जब इस संबंध में कर्मचारियों से बात की जाती है तो गोलमोल जवाब दिया जाता है। आज जब एमपी 7 न्यूज की टीम ने अधिकारी कर्मचारियों से बात की तो वहां ना तो 2 दिन से कोई ऑपरेटर था जिससे किसानों की रसीद समय पर काटी जा सके और ना ही सिलाई मशीनें थी। सिर्फ और सिर्फ केवल परेशान किसान अपनी फसल लिए गेहूं उपार्जन केंद्र पर बैठा था। साढ़े 4 दिन से आया था, कोई सुनाई नहीं हो रही। इसके अलावा तौल भी गड़बड़ चल रही, हमने सुना। तुराई इंक्यावन चल रही, इंक्यावन की देखी तो इंक्यावन चल रही, हमने नहीं देखी 300। और कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? 4 दिन हो गए सर, 4 रात हो गई। सर आपका नाम? नाम इसके हम जी कह रहे हैं सर, लगातार यहाँ किसानों को परेशानी हो रही है देरी सोसाइटी पर। 50 से 60 ट्रैक्टर लगातार लगे हुए हैं, किसान माल ना तुलने की वजह से डेली घर जा रहे हैं और 3-3 दिन से जो है ट्रैक्टरों का भाड़ा दे रहे हैं। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? इसी व्यवस्था के लिए हमारा माननीय श्री हमारे उपायुक्त साहब ने हम लोगों को यहाँ व्यवस्था के लिए भेजा है, उसी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। चूँकि शहर बंद है, बाज़ार बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से मशीनें सुधरवाने में, नई मशीनें प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है, इसलिए समय से सिलाई नहीं हो पा रही है। तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? एक तरफ तो कोरोना महामारी की चपेट में लोग आ रहे हैं और यहाँ भीड़ किसानों की एकत्रित हो रही है लगातार तुलाई ना होने से समय पर। इसकी एक दिन के अंदर पूरी सब व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। और सर देरी सोसाइटी में लगातार यहाँ जो है ऑपरेटर भी नहीं है, इसलिए लोगों की रसीद भी नहीं कट पा रही समय से। वो भी अभी हमको जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी हम व्यवस्था तत्काल व्यवस्था करवाते हैं